हेलो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चमचम की रेसिपी। बाहर से ड्राई और अंदर से जूसी चमचम घर पे कैसे बनाएं, बिल्कुल हलवाई के जैसे। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया परफेक्ट तैयार हुई है और जूस से लबालब भरी हुई। खाने में इतनी टेस्टी है कि आपने एक बार बना लिया ना तो आप बार बार बनाने की इच्छा रखेंगे। इतनी अच्छी बनती है और पूरी परफेक्ट टिप्स के साथ मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कितनी जूसी है। तो ये है बाहर से ड्राई और अंदर में जूसी। बाहर से आप देखेंगे तो बिल्कुल ड्राई है, सूखी है, अंदर में देखेंगे तो जूस से भरी हुई है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैंने लिया 2 अरेठे, आप देख सकते हो, क्योंकि मैं 1 लीटर का जो है रेसिपी बना रही हूँ, 1 लीटर दूध का, तो 2 अरेठा लेंगे। इस तरह से इसको रीठा भी बोलते हैं। इसके बीज का जो बीज है वो निकाल देंगे और इसको गर्म पानी में भिगो करके छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। तो इसको पहले कूट करके बारीक कर लें और फिर गर्म पानी में भिगो करके छोड़ दें लगभग आधे घंटे के लिए। तो मैंने एक बाउल के अंदर गर्म पानी लिया है, इसको भिगो देते हैं और ढक्कन लगा करके छोड़ देते हैं, साइड में रख देते हैं। अब हम लेंगे दूध। तो मैंने गाय का ताज़ा दूध लिया है 1 लीटर, और 1 लीटर दूध को मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ। और जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ छन्ना बनाने की प्रिपरेशन। छन्ना बनाने के लिए देखिए मैंने लिया विनेगर, तो 1 बड़ा चम्मच हमें विनेगर लेना है। तो ये देखिए इस तरह का विनेगर मार्केट में ये बोतल मिल जाती है। आप नींबू के पानी से भी छन्ना तैयार कर सकते हैं, या फिर जो छन्ने के पानी होता है उससे भी छन्ना तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 बड़ा चम्मच विनेगर का पानी, 1 बड़ा चम्मच सादा पानी मिक्स कर लिया, साइड में रख देते हैं। दूध को गर्म किया, दूध अच्छे से गर्म हो गया, उबाल आ गया, तो उसको थोड़ा सा ठंडा करना है। अगर ऐसे ही आपको फटाफट में 1 से 2 मिनट वेट ना करना हो तो आप इसके अंदर थोड़ा ठंडा पानी डाल दें तो ये ठंडा हो जाएगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, तो ये मैंने नॉर्मल पानी डाल दिया है, इसको थोड़ा सा टेम्परेचर ठंडा कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा विनेगर वाला पानी और इस तरह से 3 से 4 बार में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और छन्ना तैयार कर लेंगे। धीरे धीरे डालने से क्या होता है, छन्ना कड़क नहीं होता है और आपकी जो चमचम, रसमलाई, रसगुल्ले सब सॉफ्ट बनते हैं और जूसी बनते हैं, और उसके अंदर जूस बनता है। और पकाना कैसे है वो आप पूरा अच्छे से देखिएगा, नहीं तो सारे पकाने में कच्चे रख लेते हैं, वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगते हैं और आपकी जो सारी मेहनत है बेकार चली जाती है। पकाने का तरीका पूरा अच्छे से देखिएगा। तो 3 से 4 बार करके मैंने विनेगर वाला पानी डाल करके पूरा छना, आप देख सकते हो दूध फट चुका है। तो अब हम छान लेते हैं इसको, धीरे धीरे करके डालेंगे तो छन्ना एकदम सॉफ्ट तैयार होगा। और सॉफ्ट छन्ना क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अंदर मैंने ठंडा पानी डाल करके थोड़ा सा इसको धो लिया है ताकि इसके अंदर खटाई ना रहे, और दबा दबा के इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दिया है। अब आपको छन्ने को कुछ भी रखना नहीं है कि आपने टंगा के रख दिया, बांध के रख दिया, उसको ठंडा होने दिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। तुरंत ही आपको दबा के सारा पानी निकाल देना है और उसके बाद इसको बड़े सी परात में या बड़े से बर्तन में निकाल लेना है, बड़े बाउल में निकाल सकते हैं। मैंने इसको बड़ी सी परात में निकाल लिया है। अब मैं तुरंत इसको देखिए देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट छन्ना है। आप पूरी हथेली को फैलाइए और हथेली की सहायता से इसको गोल गोल घुमाइए, 1 मिनट में आपका छन्ना एकदम से सॉफ्ट होकर के तैयार हो जाएगा। तो ये छन्ने की पहचान है। देखिये मैंने लिए थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर और थोड़ा सा छन्ना लेकर के इसके अंदर ऐसे इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। छन्ना हमारा बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुआ है, नेचुरली बहुत ही अच्छा, आप देख भी सकते हो। तो ये मैंने कलर इसके अंदर मिक्स कर लिया है और अब हम इसके जो है पीसेज कट कर लेते हैं, जितनी हमें चमचम बनानी है उस हिसाब से। तो मैं यहाँ पे इसके 10 पीस कटिंग करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पीस मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं। अब मैं 1 पीस ले रही हूँ। कैसे बनाना है इसको, आपको ऐसे बनाना है, ऐसे लेना है, थोड़ा
थोड़ा चपटा करना है। इस तरह की आपको चमचम तैयार कर लेनी है। सारी चमचम मैं इसी तरह से तैयार कर रही हूँ, इस तरह की। दूसरी तरफ मैंने शुगर को अच्छे से पिघला लिया और इसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी डाल दिया है, तो इसको हम एक उबाल आने तक बॉईल होने देंगे। लीजिए, इस तरफ मेरी चमचम बनकर के रेडी है, तो हम रिट्ठे के पानी को छान लेते हैं। देखिए, ये भीग करके तैयार हो चुका है और अब हम इसको इसके अंदर छान लेते हैं। ये रिट्ठे का पानी में बीच में डालने के लिए चाहिए होगा, इसके अंदर बबल्स लाने के लिए, झाग लाने के लिए, ताकि चमचम प्रॉपरली सही से पकती रहे। तो देख सकते हैं आप, चाशनी में बॉईल आ रहे हैं और लगभग 5 से 7 बॉईल आ चुके हैं। तो अब मैं क्या करूंगी कि जो सारी चमचम है इनको एक एक करके इसके अंदर डाल दूंगी। तब आप देख सकते हो, देखिए इस तरह से हम अपनी एक एक चमचम को इसके अंदर डाल देंगे। सारी चमचम को डालने के बाद 1 मिनट के लिए हम इसको बंद कर देंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें इसको इस तरह से बंद करना है। 1 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अभी अब बबल्स नहीं आ रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर उफान लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो पलटती नहीं है। नहीं तो क्या है कि चाशनी के अंदर चमचम पूरी उलट पलट होती रहती है, तो ये अच्छे से पकती है। अब देख सकते हैं आप, थोड़े थोड़े इसके अंदर बबल्स आने शुरू हो गए, तो ये अपने आप उलट पलट होती रहती है, तब भी ये ऊपर नीचे से अच्छे से पकती है। तो अब मैं इसे लगभग 20 मिनट तक तो ऐसे ही पकाऊंगी। 20 मिनट पकाने के बाद में इसके अंदर अरेटे का और नॉर्मल पानी डालूंगी। जब मुझे इसे पकाते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और आप साइज देख सकते हो, वाव। तो अब हम इसके अंदर डालना शुरू करेंगे पानी। तो ये मैंने लिया नॉर्मल पानी, तो ये मैं डाल रही हूँ, आप देख सकते हो नॉर्मल पानी। और ये मैंने डाला 100 ml नॉर्मल पानी और चमचम का साइज भी आप देख सकते हो। और ये थोड़ा सा डालेंगे हम अरेटे का पानी, ताकि इसके अंदर अच्छे से बबल्स आ जाए। तब आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत अच्छे बबल्स आएंगे। तो देख रहे हो कितने अच्छे बबल्स आ रहे हैं। चमचम को बिल्कुल भी चलाएंगे नहीं, बस ऐसे ही पकाते रहेंगे। 20 मिनट और पकाऊंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो टोटली 40 मिनट के अंतराल में मैंने 4 बार नॉर्मल पानी डाला और 1 बार अरेटे का पानी डाल करके इसको हाई फ्लेम पे कंटिन्यूअसली 40 मिनट तक पकाया। ऐसे नहीं कि 5-10 मिनट में ये फूल जाती है तो बस पक करके तैयार हो गई। फूल जाती है ये, पर पकती नहीं है। फूल तो जाती है, 10 मिनट पकते होते हैं तो ये फूल जाती है। पकने का आपको कैसे चेक करना है? 40 मिनट पकाने के बाद नॉर्मल बाउल में पानी लीजिए, नॉर्मल पानी, और इसके अंदर एक चमचम डाल करके देख लीजिए। चमचम तो तले में बैठ जाती है, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुकी है। और ये कच्ची होती है ना, तो ये ऊपर तले में तैरती रहती है, नीचे नहीं बैठती है। तो सारी चमचम को मैंने निकाल लिया है, इसके अंदर नॉर्मल पानी में मैंने थोड़ी चाशनी भी डाल दी है और चमचम भी डाल दी है।
हमारी चमचम वैसे ही फूल करके तैयार हो जाती है। तो यह है कोकोनट का भूरा, आप देख सकते हो। हम एक अपनी चमचम लेंगे, इसको इस तरह से गार्निशिंग करेंगे। देख सकते हो कितनी बढ़िया चमचम रेडी हो रही है। लीजिए, अब मैं इसी गार्निशिंग कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने रेड फूड कलर लिया है। इस तरह से हम इसको गार्निशिंग करेंगे। तो मैंने केसर से इनको गार्निशिंग कर दिया है। अब मैं इस पर थोड़ा सा पिस्ता लगा रही हूँ।